भारत की झोली में दो और मेडल गिरे और जिसके बाद लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड टूट गया। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सफल ओलंपिक, लंदन ओलंपिक का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार एक ओलंपिक में जीते 7 मेडल, पहली बार ओलंपिक में 2 रजत पदक, पहली बार एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने दिलाया गोल्ड, आज बजरंग पुनिया ने जीता रेसलिंग में कांस्य। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू को सिल्वर, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन को कांस्य, बैडमिंटन में पीवी सिंधु को कांस्य, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य, रेसलिंग में रवि दहिया ने जीता सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सफल ओलंपिक बन चुका है, जहां भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक पदक अपनी झोली में डाल रहे हैं। आज बजरंग पुनिया ने हिंदुस्तान की झोली में 6ठा मेडल डाला, जिसके साथ ही हिंदुस्तान ने लंदन ओलंपिक्स की बराबरी कर ली। आज बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से एक तरफा मार दी। इसके बाद बारी थी लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ने की, जहां नीरज चोपड़ा ने भारत को 7वां ओलंपिक मेडल जिताकर लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत अब तक टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीत चुका है। इससे पहले भारत ने सबसे ज्यादा पदक 2012 लंदन ओलंपिक में जीते थे, जहां भारत ने 6 मेडल जीता था। अभी ओलंपिक में एक दिन का मुकाबला और बाकी है। वैसे अब तक टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने कई इतिहास रचे हैं। एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है। पहली बार एक ओलंपिक में भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी। टोक्यो ओलंपिक याद रखा जाएगा हिंदुस्तान में सबसे सफल ओलंपिक के लिए, जहां से उम्मीद जगी है ओलंपिक में बेहतर भविष्य की। कोरिया मजूमदार के साथ राहुल रावत, टोक्यो आज तक। आतंकवादियों को अपने सर पर बिठाकर रखने वाले पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में एक हिंदू मंदिर पर 4 अगस्त को कट्टरपंथी भीड़ ने हमला कर दिया। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ मचाई, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। लेकिन अब पाकिस्तान के सियासतदान इस घटना को लेकर ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे उन्हें तो इतनी बड़ी घटना के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान, जिसमें आज भी हिंदू होना पाप है। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर पाकिस्तान के अधर्म का निशाना बन गया। पाकिस्तान के कट्टरवादियों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया और पूरे पाकिस्तान भर से लाइक्स बटोरे। हाथों में डंडा लेकर पूरा मंदिर ढहा देने के इरादे से भीड़ मंदिर के अंदर घुस आई। पहले सारा सामान फेंका, फिर मूर्तियों को तोड़ा और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो मंदिर में आग लगा दी। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। एक 8 साल 2 महीने का बच्चा था, जो 21 जुलाई को दरगाह के अंदर, मदरसे के अंदर वो चला गया है और उसको उसने बंदे ने जो वहाँ का खुदीब था उसने पकड़ा है कि आप हिंदू हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उसको जब मारा है तो उसका पेशाब निकल आया।
जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया, उसके दूसरे दिन उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई, वो भी 295A में। दो दिन वो 8 साल का बच्चा जेल में रहा। जमानत की खबर फैलते ही वहाँ इश्तियाल फैल गया हिंदुओं की। वहाँ दुकानें हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 80 से 100 के लगभग घर हैं, उन पे हमले शुरू हो गए, मुजाहरे शुरू हो गए, और फिर ज़ाहिर है हिंदुओं ने जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जो अकलियती बरादरी के नुमाइंदे थे उन्होंने मदरसे के मुंतज़मीन से माजरत भी की और ये भी कहा कि बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। मगर ज़मानत के बाद हंगामा आराई शुरू हुई। एक वर्जन तो ये है, दूसरा वर्जन ये है कि ये मामला सुलट गया था लेकिन सुमर बरादरी के कोई साहब थे, उनका किसी हिंदू दुकानदार से कारोबारी झगड़ा हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने इससे फायदा उठाते हुए मुनाफरत की आग को भड़काने की कोशिश की। ये कोई पहली घटना नहीं है जब पाकिस्तान में किसी हिंदू मंदिर पर इतना बड़ा अटैक किया गया, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान के हिंदू समाज ने कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बातें तो बहुत करते हैं ये लोग, पाकिस्तान में अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हकूक हासिल नहीं है। हमारे हिंदुओं की तजलील की जा रही है और भरपूर तरीके से आए रोज हमारे यहाँ हिंदुओं की लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्म जो है चेंज किया जाता है, जबरदस्ती उनको निकाह कराए जाते हैं, और इसी तरह आए रोज हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है और हमारे लोगों की बेहरमती की जाती है। इस एक वीडियो ने पाकिस्तान में हिंदू विरोधी चेहरे पर पुती कालिख को और ज्यादा गहरा कर दिया। जो जुबान से तो अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करता है लेकिन उसकी हरकतें हर बार उसका झूठ बेनकाब कर देती है, जिसे न पाकिस्तानी हिंदू अब बर्दाश्त करेंगे और न हम भारत के लोग। दीज इंसिडेंट्स आर अकरिंग एट एन अलार्मिंग रेट व्हाइल द स्टेट एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान हैव स्टूड बाय आइडली एंड कंप्लीटली फेल्ड इन प्रिवेंटिंग दीज अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज and their places of worship and calling upon Pakistan to ensure the safety, security and well-being of its minority communities. भारत की सख्त टिप्पणी का पाकिस्तान में बड़ा असर हुआ। दो दिन तक हिंदू मंदिर पर हमले की इस वीडियो को मजे ले लेकर देखने वाली पाकिस्तान की सरकार और पुलिस की जब दुनिया भर में थू-थू होने लगी तो पाकिस्तान का वही पुराना नाटक शुरू हो गया। पाकिस्तानी संसद में अल्पसंख्यक हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा के संकल्प लिए जाने लगे। भून शरीफ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मंदिर को तोड़ने और नुकसान पहुँचाने की सख्त मजम्मत करता है और इस दुख में हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी इसकी सख्त मजम्मत की है और मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के सख्त अहकाम दिए हैं। आईने पाकिस्तान अकलियतों के हकूक की मुकम्मल अकलियतों के हकूक का मुकम्मल तहफ़ करता है आईने पाकिस्तान अकलियतों के हकूक का मुकम्मल तहफ़ करता है और ये ऐवान भी इस अजम का अदा करता है कि अकलियतों के हकूक और इबादत गाहों का भरपूर तहफ़ किया जाएगा। ये सही है, पहले हिंदुओं पर अत्याचार करो फिर माफी मांग लो, पहले हिंदुओं के मंदिर पर हमला करो फिर अफसोस जताकर बात खत्म कर दो। पाकिस्तानी संसद में जब हिंदुओं से सहानुभूति का प्रस्ताव पास हो रहा था तब पाकिस्तान के एक सांसद ने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के प्रति ही अपनी सहानुभूति प्रकट कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम इसको दहशतगर्दी से ताल्लुक देता है, लेकिन एक बात वजाहत के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। ये जो अभी कह रहा है कि एक मदरसे में एक बच्चा, ये इसको साथ जोड़ा, अभी इसकी तहकीकात हो जाए कि ये वाकया मदरसे की वजह से है या कोई आम लोगों ने किया है। जिसने किया दहशतगर्दी के किया है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि खामखा ये चीज मदरसे के साथ जोड़ रहे हैं, ये इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि ये मामला आतंकवाद का नहीं है, ये हिंदू परिवार पर आतंकवादी हमला ही तो है। लेकिन जब तक भारत सरकार ने इस घटना पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर फटकार नहीं लगाई तब तक इमरान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन अब जब बेइज्जती का डर सताया तो इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, घटना की निंदा कर रहे हैं, मंदिर की मरम्मत कराने का वायदा कर रहे हैं।
मंदिर पर हमले की घटना में अब जाकर FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना का पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और इमरान खान से लेकर पुलिस तक को खरी खोटी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। उन्होंने कहा कि मुलजिमान हिंदू कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। खबर सबसे बड़ी, सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में NIA का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 45 ऐसी जगह है जहां पर NIA की टीम लगातार छापामारी कर रही है। NIA टेरर फंडिंग मामले को लेकर फिलहाल जांच कर रहा है और जो जगह है 13 जिलों में छापामारी हो रही है। 45 जगह टेरर फंडिंग का मामला और साथ ही साथ ज्यादातर वो इलाके हैं जो दक्षिण कश्मीर में आते हैं। फिलहाल इस वक्त जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट अभी फिलहाल यहां से मिल रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में जानकारी हो दक्षिण कश्मीर के अलावा। जितेंद्र, NIA का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि 45 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें NIA ने एक नया केस रजिस्टर किया है जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। जमात इस्लामी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो कि टेरर फंडिंग इस वक्त भी कर रहे हैं और NIA को इस बात की जानकारी पता चली। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 45 जगहों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू का जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है जिसमें अनंतनाग के साथ साथ पुलवामा और दूसरी जो जगहें हैं वहां पर NIA की टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही हैं। साथ ही जम्मू रीजन में भी NIA की टीम इस वक्त मौजूद है जहां पर किश्तवाड़, डोडा और दूसरे इलाके जो हैं वहां पर NIA की टीम छापेमारी कर रही है। NIA सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो 45 जगहें हैं उसमें जमात इस्लामी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की विदेशों से फंडिंग आ रही है और इस फंडिंग का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है जो कि टेरर फंडिंग के तौर पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। NIA और जो गृह मंत्रालय है इसकी तरफ से NIA को रेड करने की पूरी संस्तुति दी गई और नया केस रजिस्टर इस पूरे मामले में किया गया है बताया जा रहा है, जिसके बाद ये 45 जगहों पर NIA की टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों ने बताया कि 14 जो जिले हैं अलग अलग जगहों पर वहां पर अलग अलग जो जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, उनके जो ऑफिसेज हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। इसका सीधा और साफ मकसद है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेरर फंडिंग बीच में डाउन हुई थी उसके बाद जमात इस्लामी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो कि इसमें दोबारा से जुड़ गए हैं और इस बात को लेकर के जब सेंट्रल एजेंसीज को जानकारी पता चली तो उसके बाद इस तरीके का एक ताबड़तोड़ जो छापेमारी का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। और बताया जा रहा है कि NIA का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये है जिसमें जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के यहाँ 45 जगहों पर छापेमारी नवजोत की जा रही है। बिल्कुल, 13 जिलों की खबर आ रही थी लेकिन जितेंद्र जैसे बता रहे कि 14 जिले हैं और 40 से ज्यादा जो लगभग 45 जिले जहां 45 जगह जहां पर अभी फिलहाल NIA की छापामारी चल रही है। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है लेकिन जितेंद्र देखिए यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि तमाम जानकारियां जो मिल पाई है जम्मू और कश्मीर के इलाके हैं जहां पर ये छापामारी हो रही है, क्या लिंक्स कुछ और जगहों से भी जुड़ते हैं, क्या इसको लेकर भी NIA आगे पड़ताल करेगी? बिल्कुल, NIA इस पूरे मामले को लेकर के पड़ताल करेगी क्योंकि 2019 में जमात इस्लामी पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। उसके बाद जमात इस्लामी जिस तरीके से अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था ऐसी जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसी और खुद NIA को मिल रही थी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो छापेमारी का प्लान किया गया जिसमें सूत्र बताते हैं कि एक बड़ा क्रैकडाउन करने की कोशिश है क्योंकि ये भी पता चलता है कि विदेशों से भी फंडिंग इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर में आ रही है। इससे पहले टेरर फंडिंग को लेकर के NIA की टीम पहले से ही जांच कर रही थी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें हाफिज सईद की का जो फला इंसानियत NGO है उससे भी पैसा आ रहा था। तो जमात इस्लामी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका किस तरीके से संबंध है इन तमाम
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अलावा पाकिस्तान की जो ISI है उससे किस तरीके का संबंध है, इसको बड़े तरीके में क्रैक डाउन करने की कोशिश है। और NIA इस वक्त जिस तरीके से छापेमारी कर रही है उससे साफ आने वाले दिनों में बहुत सारे खुलासे भी होंगे। नजर आप बनाए रखे जितिन, लौटेंगे आपके पास। जितिन बहादुर सिंह लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है। कोटा हो, झालावाड़ हो, बारा हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सैलाब मुसीबत बनकर आया है। शहरों में पानी भरा हुआ है, कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से कट चुके हैं। मौसम की मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब हालात के चलते राहत और बचाव के काम में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। बारिश की ऐसी मार कि शहर शहर में सैलाब का प्रहार नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, नाले आपे से बाहर हैं, मैदान तालाब बन गए हैं, मकान भरभराकर ढह रहे हैं और लोग इस आसमानी आफत के बीच मुसीबत की मार झेलने को मजबूर है। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारा जैसे जिलों में हर ओर सैलाब का शोर सुनाई दे रहा है, जलधार का जोर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की, जहां सांगोद इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। पुल पर NDRF की टीम मौजूद है और पानी के प्रवाह ने उनका रास्ता रोक रखा है। नगर पालिका का बोर्ड सांगोद में स्वागत के लिए लगाया गया है, लेकिन आगे बढ़ते ही इस ओर बाढ़ की दस्तक दिखाई दे रही है। अब सांगोद के कारागार का हाल देखिए, मानो यूं लग रहा है पानी ने यहां मौजूद हर इंसान को ही कैद कर लिया है, क्योंकि बारिश की ऐसी मार के बीच यहां फंसे लोगों के लिए NDRF की टीमों की मदद के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं। बारिश के बीच बिल्डिंगों में पानी भरा है, पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है, दुकानों मकानों पर सैलाब का कब्जा है, रास्ते बंद हैं और लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। किसी तरह NDRF की टीम की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन हालात कितने खराब हैं ये NDRF के अधिकारियों की बातों से आप खुद समझ सकते हैं। बारा में सांगोद में टीम गई हुई है जो उदयपुर से बुलाई गई थी, और जो अर्ली इन द मॉर्निंग वहां पहुंच के उसने ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर दिया गया है। रास्ते सभी पानी से भराव के कारण जो है रास्ते प्रॉपर नहीं थे, तो दो तीन रास्तों का यूज किया गया, लेकिन सफलता आखिरकार जब मिली जब ट्रैक्टरों के माध्यम से बोट ट्रैक्टरों के ऊपर रख के और टीम को वहां पहुंचाया गया, और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में बारिश की मार के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और आसपास के इलाकों का हवाई दौरा किया और मुसीबत में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अभी जिस जिस इलाके के अंदर स्थिति खराब है वहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर आ चुका है और सारे इलाके की स्थिति देखेगा। फूड पैकेट की आवश्यकता है तो फूड पैकेट भी बना दिए गए हैं, वो भी लेकर जाएगा। और जिस जिस गांव के हालात ठीक नहीं है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेंगे। पूरा घर गिर चुका है। बाढ़ जैसे हालात के बीच बुरा हाल सिर्फ कोटा का नहीं, मौसम की मार झेल रहे झालावाड़ की भी तस्वीर देख लीजिए। ये चांदखेड़ी स्थित तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मंदिर है, यहाँ 10-10 फीट तक पानी भरा हुआ है, पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि इससे जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और कमजोर मकान इस मार के आगे धराशायी हो रहे हैं। बारा में भी सैलाब लोगों की जिंदगी पर संकट लेकर आया है, खेत खलिहान डूब गए हैं,
गांव के गांव लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा से संजय वर्मा, झालावाड़ से फिरोज अहमद खान और बारा से राम मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में भी बारिश की मार पड़ी है। नदियों में आए सैलाब ने गांव में तबाही मचा रखी है और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां जिंदगियां बहाव के बीच फंस गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर कुछ इसी तरह के गांव हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश यूं सितम बनकर बरसी कि कई लोगों पर आफतें आ गईं। भारी बारिश के बाद जगह जगह नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं, सैलाब सा बढ़ता पानी पुल पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहा है, गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। मुसीबत की इस मार के बीच लोगों की जिंदगियां बचाने की जंग जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन राजस्थान की सीमा पर बसे मध्य प्रदेश के सोंडा गांव में चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी यूं उफान पर आई, ये पूरा का पूरा गांव ही टापू बन गया और करीब 150 लोगों की जान इस गांव में फंस गई। नदी का जो प्रचंड वेग है उसने कैसे इस पूरे गांव को घेरा हुआ है वो हम आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। वो तस्वीरें जो पहले कभी नहीं देखी होगी और वाकई डराती है तस्वीरें, क्योंकि ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं, इन झाड़ियों पे ये जो मलबा लगा हुआ है, प्लास्टिक है, ये बता रहा है कि नदी का पानी किस हद तक ऊपर आ गया था और कैसे ये पूरा इलाका जो है कुछ देर पहले तक पानी में डूबा हुआ था। और अब अगर देखिए, ये नदी का बहाव है, नदी ने अपने पूरे पाट को काट दिया है और पूरे गांव के चारों तरफ से उसे घेरते हुए आगे बढ़ रही है। जलस्तर जिस तेजी से बढ़ा उसके बाद खतरा यही था कि ये गांव जो है ये पूरी तरीके से डूब ना जाए, क्योंकि बहुत ऊपर तक पानी आ चुका था और यहां तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए एयरलिफ्ट करके लोगों को यहां से निकाला गया। नदी में बढ़े सैलाब ने सोंडा गांव के हालात बेहद खराब कर दिए। आलम यह था कि सड़क के रास्ते इस गांव तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि गांव को जोड़ने वाला पुल भी नदी के पानी में कई फीट नीचे डूबा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा आप देखिए, यानी गांव का दूसरा हिस्सा जहां पहले सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो पुल अब पूरी तरीके से पानी के नीचे है, कई फीट नीचे है, और प्रचंड वेग के साथ पार्वती नदी इस टापू के दूसरी तरफ से बह रही है। इस गांव को पूरी तरीके से फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए काट दिया है इस नदी ने, और इसीलिए ये जरूरी था कि यहां पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, नहीं तो उनके सामने अगले कुछ दिनों तक खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता और यदि बारिश लगातार होती रहती और नदी का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता तो फिर उनके बचने की संभावना भी नगण्य होती जाती। सोंडा गांव पर आया संकट बेहद डराने वाला था, क्योंकि पार्वती नदी का पानी जिस तेजी से गांव को अपनी चपेट में ले रहा है उससे कभी भी गांव वालों का जीवन संकट में पड़ सकता था। यही वजह है कि एमपी के साथ राजस्थान प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 6 घंटे की कोशिशों के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ करीब 150 से 200 के बीच में बड़े और छोटे बच्चे ऊपर जो सोडा गांव आप पीछे देख रहे हैं वहाँ फंसे हुए थे, जहाँ चारों तरफ से पानी फैल रहा है। ये पार्वती नदी और एक लोकल नदी दोनों का प्रभाव इतना जाता था कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। अब एमपी के फतेहगढ़ थाने से बहुत नज़दीक है, परंतु वहाँ पानी का फ्लो इतना है कि हम जा नहीं सकते, तो हम ये घूम के छबड़ा तरफ से आए हैं जहाँ पुल पुलिया बंद थे। कल रात में काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी हमें खेत खलिहान से आना पड़ा, पर हम यहाँ पहुँचे। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमने यहाँ के कैंप किया, एनडीआरएफ की टीम आई, एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय, यहाँ राजस्थान सरकार, यहाँ के कलेक्टर, एसपी साहब के तालमेल से बहुत हमारा एक बहुत अच्छा काम हुआ। आज तक की टीम भी एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। इसके बाद उफनती पार्वती नदी को पार कर दो राज्यों के बॉर्डर पर बसे सोंडा गाँव तक पहुँची, जो अब पूरी तरह से वीरान हो गया है। गाँव से बचाए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, लेकिन जिंदगी पर आए संकट को याद कर वो अब भी सहम जाते हैं। नहीं, आपको वजन तो एक दिन बटान लाया और मेरे दो ऑपरेशन हो रहा, नटा नटा आए ओली कोर पर काट पर लाया, फिर उस पर से 4-5 जना उठा किन लाया, जैसे लाया अब नी बच्चा के लेके कहाँ पढ़ू। मवासी छोड़े या घर बार सब नाच पानी सब में देगी, सब चोट चाट कर मातो बेबस होके पार पार वामन यहाँ से निकाल के यहाँ गया।
गुना पर मौसम की मार अब भी जारी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी जगह स्थिति इतनी खराब नहीं कि लोगों को रेस्क्यू कराने की जरूरत पड़े। वर्तमान में गुना जिले में कहीं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां पर हमें रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े। हाँ, जरूर ये है कि बहुत सारे गांव हैं जो कट ऑफ हो चुके हैं, तो वहां पर ऑलरेडी हमने जहां पर इनके घर गिर गए हैं तो वहां पर आज शिविर तो हमने शुरू कर दी है। तो फिलहाल वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है। एक आज सुबह जरूर था, एक पुजारी फंस गए थे सिंध नदी में एक मंदिर में, तो उनको भी आज सुबह रेस्क्यू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश होने से मौसम खराब है, जिससे राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने एमपी के 5 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगर तेज बारिश का ऐसा ही सिलसिला कुछ और दिन भी जारी रहा तो बाढ़ की मार के बीच लोगों की जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी। गुना से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।